अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अहमद गुलाबात, आप लोग देख रहे हो वश एकेडमी। मैं लाया आप लोगों के लिए आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि स्किन के बारे में। आज स्किन जो मैंने लाया है वो है स्किन ऑफ बर्ड्स, सही है, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि स्किन ऑफ एम्फीबियन, स्किन ऑफ रेप्टाइल्स। तो आज मैं लाया आप लोगों के लिए एक और टॉपिक जो कि स्किन ऑफ बर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायग्राम में हम लोग देखते हैं स्किन ऑफ बर्ड्स। स्किन ऑफ बर्ड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेयर है हमारे पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यहाँ पे जो बर्ड्स में स्किन का एक थिन लेयर है, थिन लेयर होते से इसका जो फर्स्ट लेयर है। जो सेकेंड लेयर हो गया वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। द ये हो गया हमारे पास एपिडर्मिस। और हमारे पास डर्मिस में एक कोलेजन फाइबर्स होगा और स्मूथ फाइबर्स होगा एंड ब्लड वेसल्स होगा। स्मूथ फाइबर एंड कोलेजन फाइबर्स हम लोग देखते हैं, सही है, एपिडर्मिस में। एंड एपिडर्मिस में एक एपिडर्मिस कंटेन अ प्रीन ग्लैंड। ये जो प्रीन ग्लैंड होते हैं, सही है, इसमें एपिडर्मिस में डर्मिस में सिर्फ कोलेजन फाइबर एंड स्मूथ फाइबर एंड ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि एपिडर्मिस में एपिडर्मिस क्या है। एपिडर्मिस इज द थिन ओवर मोस्ट ऑफ द बर्ड्स बॉडी। एपिडर्मिस में जो बर्ड्स का स्किन है ये एपिडर्मिस थिन होता है बर्ड्स के बॉडी में। और इट्स ओनली टू थ्री लेयर्स, सही है, थ्री सेल्स लेयर्स, इसमें थ्री लेयर्स सेल्स मौजूद है, सही है। देयरफॉर बर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड थिन स्किन एनिमल्स जो कि थिन स्किन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। जो कि हमारे पास आउटर लेयर है बर्ड्स का, आउटर लेयर इज अ केराटिन, सही है। इट इज ऑफन क्विट सॉफ्ट, ये बहुत हमेशा क्विट सॉफ्ट होते हैं, सही है। जो कि हमारे पास एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आल्सो कंटेन अ फीटस। फीटस में जो कि हमारे पास फर्स्ट है मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट, एक प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं, सही है। जो कि हमारे पास सेकंड वन है ड्राइव फ्रॉम द स्किन ऑफ रेप्टाइल। जो स्किन ऑफ बर्ड्स है ये कहां से ड्राइव हुए, कहां से निकले, स्किन ऑफ रेप्टाइल से निकले हैं। ये जो स्किन है इसका कहां से निकल गया, रेप्टाइल से निकल गया। और हमारे पास थर्ड वन है इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स केराटिनाइज्ड। ये हमारे पास केराटिनाइज्ड होगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। और हमारे पास डर्मिस में, डर्मिस एक सिमिलर जो कि रिप्लिकेशन डर्मिस होगा, सही, इसके साथ सिमिलर होगा, मुख्तलिफ से रिप्लिकेशन होगा, ठीक है हमारे पास। एंड डर्मिस कंटेन आल्सो ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स, सेंसरी बॉडीज एंड इवन एयर स्पेस एक्सटेंडेड इन टू द डर्मिस। ये जो हमारे पास डर्मिस में है ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स हो गया, नर्व्स एंड सेंसरी बॉडीज, ये यहाँ पे जो डर्मिस में है, सही है। उसके बाद डर्मिस में एक स्मूथ मसल फाइबर्स होगा, स्मूथ फाइबर्स, सही, स्मूथ मसल फाइबर्स में are present in the dermis and complex arrangement associated with the feathers. ये associated साथ attached है, सही है। इसके and smooth fibers control the position of feathers. ये position को control करेगा smooth fibers जो कि skin होगा, skin, सही है, जो कि birds
जिधर जाए नीचे जाए या ऊपर जाए सही है, इसको कंट्रोल कैसे समूथ फाइबर से इसको कंट्रोल करेगा सही है, या ऊपर जाए नीचे जाए से नीचे नीचे और ऊपर करने सही है, उसको मदद देगा सही है पोजिशन में जो फीडर होगा। इट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो थर्मो रेगुलेशन सही, थर्मो रेगुलेशन में इसको फ्लाइंग बिहेवियर में इसको मदद देगा, फीडर्स में जो समूथ फाइबर्स होगा सही है इसको उड़ने में मदद देगा ठीक है। जो कि हमारे पास डार्विन में एक एक्वेटिक बर्ड्स होगा ओमियास ऑफ फैट, उसमें फैट मौजूद होगा। इट्स आल्सो एनर्जी आइसोलेट बॉडी, एनर्जी आइसोलेट करेगा सही है इस पे जो हमारे पास एक्वेटिक बर्ड्स होगा ठीक है। तो आज का एक हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों लेक्चर समझ में आया होगा सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोगों का द स्किन ऑफ मैमेलियन सही है, इंशाल्लाह मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।